बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 इज स्टोइकियोमेट्री, उसकी एग्जांपल कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रीएजेंट, उसका पार्ट 2 और उसमें एग्जांपल 1.16 हम करने जा रहे हैं। और ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 11 है ये। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है? ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ आपको। काफ़ी जो है ना जहन लगाना पड़ेगा, जहन ना भी लगाएं आप, लेकिन आपकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए मेरी बात की, ठीक है? अगर आपने अटेंशन अपनी लॉस कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 1.16 लिमिटिंग रिएक्टेंट का पार्ट 2, एग्जाम्पल लिखिए 1.16। व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस, व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स एल्युमिनियम नाइट्राइड, इट गिव्स एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसकी केमिकल इक्वेशन दी हुई है, वो मैं आखिर में लिखूंगा, ठीक है? इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट, गैस आर अलाउड टू रिएक्ट, फाइंड आउट क्या पता करना है भैया आपने? तीन चीज़ें इस दफ़ा बोल रहा है आपको। पहली चीज़ बोल रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट बताइएगा कौन सा है, दूसरी चीज़ आपसे बोल रहा है मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, तीसरी चीज़ आपसे बोल रहा है मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, ठीक है भाई? केमिकल इक्वेशन भी उसने दी हुई है आपको, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा की तरह। 2 मोल एल्युमिनियम के हैं और 1 मोल नाइट्रोजन के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड के बन रहे हैं, ठीक है भाई? अगर इसका मास रेशो आप निकाल लें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या है, 27, एक एटम का, यहाँ पे 2 एटम हैं, तो 27 प्लस 27 ये 54 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास जो है वो 14 है, तो यहाँ 2 एटम है तो ये हो गया 28 ग्राम, और इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल बनता है 82 ग्राम। 54 ग्राम 28 एल्युमिनियम नाइट्राइड के 2 मोल का बनेगा वजन टोटल 82 ग्राम। मोल रेशो निकालें तो 2 मोल हैं यहाँ पर एल्युमिनियम के, 1 मोल है नाइट्रोजन का और 2 मोल हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड के। एक बात अपने जहन में, अब आप पार्ट 11 पे आ गए हैं स्टोइकियोमेट्री के, एक बात जहन में रखें, वो आपसे मास पूछता है या मोल पूछता है, ये दोनों चीज़ें जो है ना आपस में इंटरचेंजेबल है, कन्वर्टेबल हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है? अगर आपको मास दिया हुआ है, अगर आपसे मोल पूछ रहा है तो उसने आपको मास दिया हुआ होगा, और अगर मास पूछ रहा है तो मोल दिए हुए होंगे, कन्वर्जन ही तो करनी है सिर्फ, तो इससे परेशान ना हुआ करें, ठीक है? इसके डेटा की तरफ चलते हैं हम। क्या है वो बोल रहा है, एल्युमिनियम जो है आपने नाइट्रोजन गैस के साथ हीट करना है, ठीक है? और उसके बाद कितने टेम्परेचर तक उसको हीटअप करना है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे आपने इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर को हीटअप करना है, ठीक है? और यहाँ पर जो आपको आपने एल्युमिनियम जो लिया है आपने, वो लिया है 67.5 मास ऑफ
एल्युमिनियम 67.5 ग्राम और नाइट्रोजन गैस जो ली है उसका मास भी उसने दिया है, नाइट्रोजन गैस उसने 140 ग्राम जो है वो आपको दी है। उसके बाद इनको हीट अप किया गया, उसके नतीजे में क्या बना है, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन गैस के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसके नतीजे में ये एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है वो बना है। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दीजिए कौन सा है। दूसरी चीज़ आपसे क्या बोल रहा है, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड ये बता दीजिए, और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ये एक्सेस रिएक्टेंट है ना, ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा, एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि ये मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला या यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ भी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और वो टेक्निकल चीज़ बहुत ही आसान है, वो बताऊंगा आपको। तो पहला मसला हम अपना हल करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक रिव्यू कर लें। लिमिटिंग रिएक्टेंट का पार्ट टू है ये। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि फुली कंज्यूम हो गया हो, पूरे तरीके से इस्तेमाल हो चुका हो, और दूसरा रिएक्टेंट इसमें से होगा जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा जो कि पूरा इस्तेमाल ना हुआ होगा। समझ में आ गई बात, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन दो रिएक्टेंट हैं हमारे पास। अब हमें नहीं पता इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, वो कौन सा रिएक्टेंट है जो कि फुली इस्तेमाल हो गया है, पूरा का पूरा खर्च हो गया है, फुली कंज्यूम हो गया है, और इनमें से वो कौन सा रिएक्टेंट है जो कि पूरा यूज़ नहीं हुआ बल्कि कुछ अमाउंट उसका बच गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर हमें ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है इसको फाइंड आउट करना है तो पहले आपका स्टेप्स क्या हैं इसके, अगर आप स्टेप्स जहन में रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला स्टेप जो है वो मोल्स का है, जो भी गिवन आपको डेटा दिया गया है ना, जो भी आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं यहाँ पर मास में दिए गए हैं। अब ज़रा आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं यार, थोड़ा सा जो ना जहन को अपना इस्तेमाल करें, अपने सेंसेस को यूज़ करें। पहला मेथड अगर स्टेप नंबर वन जो है मोल्स का है, उसने आपको मास दिया हुआ है, तो मोल्स आपको कौन से फाइंड आउट करने हैं, इन रिएक्टेंट के ना, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन के, इसका मास फाइंड आउट करना है आपको। लेकिन अगर उसने आपको दिया हुआ ही मोल में है, क्या अगर आपने उसको दिया हुआ ही मोल में है तो फिर आपको ये मोल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आ रही है बात आपको, फिर तो आपको मोल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने मोल में दिया हुआ है। लेकिन अब ये मोल हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि उसने हमें किस में दिया हुआ है, मास में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कन्वर्जन का फॉर्मूला है आपके पास, बहुत आसान। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में पहले लिख देता हूँ, मोल ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, पहले किसको ट्राई करेंगे, एल्युमिनियम के मोल फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डीटो, मास कितना दिया गया है 67.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, एल्युमिनियम का 27, डिवाइड कर दीजिए 67.5 को 27 पे, 67.5 डिवाइडेड बाय 27 2.5 जवाब इसका आ रहा है। तो आपने क्या फाइंड आउट किया है, आपने कन्वर्ट कर लिए हैं एल्युमिनियम के मास को एल्युमिनियम के मोल में, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आपके पास 2.5 आ गए। अब किसके मोल फाइंड आउट करने हैं, नाइट्रोजन के, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू दोबारा यही फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स, मास की जगह पर 140 आ जाएगा, 140 ग्राम उसने मास दिया है आपको नाइट्रोजन गैस का। यहाँ पर नाइट्रोजन का केमिकल फार्मूला याद रख लीजिए, N2 है, दो एटम जो है वो नाइट्रोजन के हैं, इसके अंदर एक एटम का वजन 14 है, तो डबल कर लें आप, ये 28 हो जाता है, 140 को जो है वो 140 को डिवाइड कीजिए 28 पे, 5 इसका जवाब आता है। ये आपको याद रखने हैं, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितने हैं, 5 मोल्स, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 5 मोल्स, एल्युमिनियम के कितने मोल्स हैं, 2.5 2.5 मोल हैं आपके पास एल्युमिनियम के। समझ में आ गई बात आपको। ये आपने भूलना नहीं है,
जब दोनों के मोल पता लग गए तो आपने फिर क्या करना है, अब जो है वो आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं किसके, जो आपका प्रोडक्ट है ये, जो आपका प्रोडक्ट है ये, इसके मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हेडिंग जो आप देंगे वो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं, ये हेडिंग दे दें छोटी सी ताकि आपको क्लियरली पता लगे। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइड को, ऊपर से मिटाऊं मैं ताकि स्पेस बने, नंबर टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहां हमारे पास क्या है एल्युमिनियम नाइट्राइड, यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड को यूज किया जाएगा यहां पर, और यूनिटरी मेथड में हम जो है वो केमिकल इक्वेशन की मदद लेते हैं। बारी बारी दोनों से फाइंड आउट करेंगे आप एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, बारी बारी आप एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल्स जो है फाइंड आउट करेंगे, पहले आप एल्युमिनियम से फाइंड आउट करेंगे, फिर आप नाइट्रोजन से फाइंड आउट करेंगे। ये मोल्स आप निकाल चुके हैं, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 2.5 और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 5 मोल, बारी बारी इनसे आप एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी हेडिंग दे दूंगा कि पहले मैं एल्युमिनियम से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं हवाला दूंगा यहाँ पर एल्युमिनियम का, 2 मोल एल्युमिनियम के जो है वो 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड के बना रहे हैं, 2 मोल हैं किसके, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक हो गया भाई। अगला स्टेप नंबर 1 है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 2/2 आ जाएगा, 2 यहीं पे, ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। नंबर तीसरा स्टेप जो होता है यूनिटरी मेथड का, उसमें गिवन होगा यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 2.5, अब इनको लेंगे 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस, दोबारा 2.5 यहीं पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 = 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये बात आपने नहीं भूलनी कि आपने एल्युमिनियम नाइट्राइड के जो मोल फाइंड आउट किए हैं वो आपने इस एल्युमिनियम की मदद से फाइंड आउट किए हैं। अब हम नाइट्रोजन की मदद से ज़रा चेक करते हैं कि एल्युमिनियम नाइट्राइड के कितने मोल जो है वो आएंगे। नंबर 2 एल्युमिनियम नाइट्राइड, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 5 मोल, ठीक है। अब यहाँ पहले इसको देखेंगे, यहाँ पर देखें आप, 1 मोल जो है, 1 मोल जो है नाइट्रोजन का, उससे एल्युमिनियम नाइट्राइड के 2 मोल बन रहे हैं, तो आप हवाला देंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस कितने मोल, 2 मोल जो हैं वो एल्युमिनियम नाइट्राइड के आपको मिल रहे हैं, ठीक है भाई। 1 मोल नाइट्रोजन का 2 मोल जो है वो एल्युमिनियम नाइट्राइड के दे रहा है आपको यहाँ पर। अब थोड़ा सा गौर करें, यूनिटरी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है यूनिटरी मेथड में आप डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, याद है यूनिटरी मेथड के अंदर जो स्टेप नंबर 2 होता है उसमें 1 आता है, तभी तो इसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 शुरू में ही मिल रहा है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम। अब आपको स्टेप नंबर 2 से डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 पे आना पड़ेगा, जो मोल आपके पास मौजूद हैं, जैसे कि 5 मोल्स, अब 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, दोबारा इसको रिपीट करेंगे आगे आ जाएगा ये 5 × 2 = 10 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब ये जो आपने 2.5 मोल्स फाइंड आउट किए हैं वो भी एल्युमिनियम नाइट्राइड के किए हैं, ये जो आपने 10 मोल्स फाइंड आउट किए हैं ये भी आपने एल्युमिनियम नाइट्राइड के ही किए हैं, लेकिन ये जो 2.5 मोल्स एल्युमिनियम नाइट्राइड के फाइंड आउट किए हैं आपने, ये आपने एल्युमिनियम की मदद से किए हैं, उसके एल्युमिनियम के मोल्स की मदद से किए हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किए थे। समझ में आ रही है बात, कनेक्शन बन रहा है। और ये जो 10 मोल्स आपने एल्युमिनियम नाइट्राइड के फाइंड आउट किए हैं ये आपने किसकी मदद से किए हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई हेडिंग,
नाइट्रोजन की मदद से किए हैं, नाइट्रोजन की मदद से आपने 10 मोल्स जो हैं वो एल्युमिनियम नाइट्राइड के फाइंड आउट किए हैं, ये 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, देख लीजिए, समझ में आ रही है बात आपको। अब आपने क्या करना है, जब आपने स्टेप नंबर 1 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लिए, स्टेप नंबर 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लिए, स्टेप नंबर 3 अब जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है कि अब आपको पता लगेगा कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा। तो बड़ा ही आसान है, आपने जो ये दोनों मोल्स निकाले हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड के, एल्युमिनियम नाइट्राइड के, पहले आपने एल्युमिनियम से निकाले फिर आपने नाइट्रोजन से निकाल ले, इसमें से देख लें आपके कौन सा रिएक्टेंट दोनों में से कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट के, कौन सा रिएक्टेंट जो है कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है एल्युमिनियम नाइट्राइड के। तो जो रिएक्टेंट कम मोल प्रोड्यूस कर रहा होगा एल्युमिनियम नाइट्राइड के, वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर आप देख लें एल्युमिनियम जो है वो 2.5 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड के प्रोड्यूस कर रहा है, और आपका नाइट्रोजन जो है ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मोल जो है एल्युमिनियम नाइट्राइड के प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता, नाइट्रोजन जो है वो नहीं है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्युमिनियम हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। समझ में आ रही है बात आपकी? तो यहां पर आप इसका आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, कंपैरिजन एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हेडिंग दे दें आप कंपैरिजन, क्योंकि दोनों आप कंपैरिजन करेंगे तभी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता चलेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम इज लेस कम है, i.e. दैट इज 2.5 मोल्स, हैंस लिहाजा एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। बात समझ आ गई, एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्लियर हो गई ये बात। अब जरा आपने जहन को थोड़ा सा खोलिएगा, आप परेशान नहीं हो, आपको उठा के जो ना इसी तरह की प्रॉब्लम्स वो नहीं देगा। अब जरा इस केमिकल इक्वेशन को देखें, पहली ये बात बता दूं आपको कि आपके पास यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन में 2 रिएक्टेंट है, 1 प्रोडक्ट है। हो सकता है कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन आपको मिले जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट हों और यहाँ पर जो है वो 3 या 4 रिएक्टेंट हों, फिर क्या करेंगे आप? समझ आ गई बात, काम बढ़ जाएगा लेकिन प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर वही होगा, इस बात को जहन में रखें आप। अगर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, अगर आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी प्रोडक्ट की मदद से जो है वो बता सकते हैं कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। समझ में आ रही है बात आपको? दूसरी अहम तरीन बात, यहाँ पर जो रिएक्टेंट उसने दिए हैं अगर वो आपको मोल नहीं देता तो वो आपको मास दे देगा, जैसे कि उसने दिया है हमें यहाँ पर शुरू में इनका एल्युमिनियम का और नाइट्रोजन का मास दिया है ना, तो अगर मास की जगह पर वो आपको मोल दे देता है डायरेक्टली तो फिर स्टेप नंबर 1 आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, जिसमें आप मोल फाइंड आउट कर रहे थे रिएक्टेंट के, क्योंकि भाई उसने तो ऑलरेडी दे दिए ना आपको। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको उलझाती हैं, कन्फ्यूज करती हैं, तो उससे परेशान नहीं हो, अपने जहन को ईजी रखें और कॉन्सेप्ट अपना जो है ना पक्का करके रखें, डरे नहीं कि यार ये क्या हो गया अब, यहाँ तो ये आ गया और ये तो ये आ गया, नहीं, ट्राई करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास मोल्स जो है क्लियरली हो गया कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या है, वो एल्युमिनियम है। अब सारा गेम जो है इस एल्युमिनियम का ही है। देखें कॉमन सेंस ये बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एल्युमिनियम अगर हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट है जो कि फुली कंज्यूम हो रहा है, तो डेफिनेटली जो आगे वाला होगा वो क्या होगा, वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं रह जाता ना। एक्सेस रिएक्टेंट ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। जब 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं, 1 रिएक्टेंट आपको पता चल गया कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो दूसरा एग्जैक्टली आपका जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और अगला सवाल उसने हमसे यही बोला है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के बाद
एक्सिस रिएक्टेंट का मास बताइए, यानी कि किसका मास बताइए, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है वो आपको मास बताना है, शायद ऐसा ही कुछ है, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, नहीं उससे पहले उसने हमसे बोला है, सॉरी उससे पहले उसने हमसे बोला है कि मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड बताइए, आप डेटा चेक करें, मैंने मिटा दिया इसलिए भूल गया, तीन चीज़ें पूछी थी ना, एक उसने बोला था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताइए, दूसरी चीज़ उसने बोला था मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड यानी कि इसका मास बताइए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको शुरू में एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ और बार बार समझा रहा हूँ कि यार अगर आपको मास मिल जाता है और मोल का आपसे बोलता है फाइंड आउट करने का, तो बहुत आसान है, आप फार्मूला लगाइए, आप मोल फाइंड आउट करके बता सकते हैं। अगर वो आपसे मास बोलता है तो उसने मोल आपको दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वही सेम फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल वाला, वो लगाइए, कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें परेशानी की क्या बात है। तो अगर वो हमसे बोल रहा है कि मास बताइए एल्युमिनियम नाइट्राइड का, तो आप ज़रा चेक करें क्या इसके मोल उसने आपको दिए हुए हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड के, पहली बात, इसके मोल आपको डेटा में एल्युमिनियम नाइट्राइड के उसने नहीं दिए। अच्छा, हो सकता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन हमने इसके मोल फाइंड आउट कर लिए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने जब अपने पूरे प्रोसेस को देखा तो हाँ, आपको पता लगा कि यार यहाँ पर हमारे पास एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल जो है वो हमने एल्युमिनियम की मदद से भी फाइंड आउट किए थे, ये रहे 2.5, और हमने नाइट्रोजन की मदद से भी हमने जो है वो मोल फाइंड आउट किए थे एल्युमिनियम नाइट्राइड के 10 मोल। अब यहाँ पर 2.5 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड, 10 मोल ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, यहाँ ये पॉइंट है जहाँ आप गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, मोल तो ये भी हैं 2.5 एल्युमिनियम नाइट्राइड के, मोल तो ये भी हैं 10 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड के, लेकिन आपने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से जो मोल आपको फाइंड आउट हो रहे हैं, आपने उसको फोकस करना है सिर्फ, और आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है एल्युमिनियम, और ये इसकी मदद से कितने आपको मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड के मिल रहे हैं, 2.5 बस। तो आपको पता लग गया 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आपने लेने हैं, नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला लगाइए और मास फाइंड आउट कर लीजिए एल्युमिनियम नाइट्राइड का। तो तीसरा स्टेप अब जो हमारे पास है कि जब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया और हमारे पास मोल भी मौजूद हैं किसके, एल्युमिनियम नाइट्राइड के, तो उसने हमें बोला है मास बता दीजिए, तो बता देंगे भाई, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास, सॉरी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो यहां पर एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल्स जो हैं कितने, आप कौन से लिखेंगे, आप 10 मोल लिखेंगे या 2.5 लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से आपने ये मोल निकाले हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड के, तो यहाँ 2.5 आप लिखेंगे, ठीक है। मास जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो तो आपको बताना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दें आप, डिवाइडेड बाय मोलर मास एल्युमिनियम नाइट्राइड का क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है एल्युमिनियम नाइट्राइड का मोलर मास क्या होगा। तो दोबारा मैं अपनी बात रिपीट कर दूं, पिछली वीडियो में भी बहुत बताया है कि अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इक्वेशन के मासेस को आप यूज़ नहीं करेंगे, आप सिंपली केमिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यहाँ पर लिखेंगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि एल्युमिनियम नाइट्राइड ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ आप इसको लेंगे 27 + 14, एक एटम जो है वो एल्युमिनियम का है, एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का है, तो ये 27 + 14 कितने हो गए, ये हो गया 41, कितना हो गया ये 41, तो यहाँ पर आएगा 41, 41 को यहाँ ले आइए, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू मास, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 41 देखें, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 41 आपके पास जवाब आ रहा है 102.5 ग्राम मास आपके पास आ गया। किसका मास फाइंड आउट कर लिया आपने, ये जिसका पूछा था उसने, उसने एल्युमिनियम नाइट्राइड का बोला था कि इसका मास बताइए, आपने बता दिया, कितना बना है 102.5, ये है मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है भाई। तीन चीज़ें उसने बोली थी,
तीन चीजें उसने बोलनी थी, उसने बोला था कि आप बताइए लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने बता दिया, दूसरी चीज उसके बाद उसने दूसरी चीज क्या बोली थी, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड बताइए, आपने वो भी बता दिया 102.5 ग्राम। तीसरी चीज जो उसने बोली थी, उसने बोला था मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, हमें पता है एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ये एग्जैक्टली एक्सेस रिएक्टेंट होगा, ये वो रिएक्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला है। ये मैं पहले बता दूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लें पहले तसल्ली से, ठीक है। अगर इधर उधर कहीं आप कोई काम वाम कर रहे हैं तो कर लें, वीडियो पॉज करके वापस आके फिर मेरी बात सुन लें, ठीक है, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ही दफ़ा में ये बात ना समझी तो फिर आप टेंशन में आएंगे आ जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एक्सिस रिएक्टेंट का ज़रा कॉन्सेप्ट समझें पहले आप। आपसे पूछा जाए भाई एक्सिस रिएक्टेंट क्या होता है, आप बोलेंगे अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, आप बोलेंगे अ टाइप ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एक टाइप है ना, रिएक्टेंट की एक टाइप है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है जो कि पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, एल्युमिनियम पूरा का पूरा यूज हो गया। कितना था एल्युमिनियम याद है, इसका मास कितना था 67.5 ग्राम, और इसके मोल कितने थे, इसके मोल थे 2.5 मोल। तो पूरे के पूरे मोल एल्युमिनियम के इस्तेमाल हो गए, और अगर मास में बात करें तो पूरा का पूरा मास एल्युमिनियम का 67.5 इस्तेमाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा उस बर्तन में, एल्युमिनियम खत्म हो गया, पूरा का पूरा एल्युमिनियम 2.5 मोल या 67.5 ग्राम एल्युमिनियम पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया इसको एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि ये एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है ये सिर्फ एल्युमिनियम से नहीं बना, ये नाइट्रोजन से भी बना है, ये नाइट्रोजन से भी बना है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो वो है एक्सिस रिएक्टेंट, एक्सिस रिएक्टेंट वो है जो कि फुली कंज्यूम हुआ ही नहीं, फुली इस्तेमाल हुआ ही नहीं। कितना मास दिया था यहां पर आपके पास इस नाइट्रोजन का, 140 ग्राम था, 140 ग्राम नाइट्रोजन था मास में अगर हम बात करें तो, और मोल जो है वो मोल में अगर बात करें तो कितने मोल हमने इसके निकाले थे याद है आपको, 5 मोल, 5 मोल जो है हमने इसके नाइट्रोजन के निकाले थे। अब एक बात तय है, जरा ध्यान से सुनिए, ये एक्सिस रिएक्टेंट है, ये फुली इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब पूरा का पूरा 140 ग्राम ये यूज नहीं हुआ इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में। दोबारा अपना जुमला रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लें, 140 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में। तीसरी दफा सुन लें, यही स्टेटमेंट है सारा का सारा, जो जहन में बैठ गया तो बात समझ में आ जाएगी। पूरा का पूरा 140 ग्राम नाइट्रोजन फुली पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में। अब यहां पर आपके जहन में तीन सवाल आते हैं, अगर आप पहली बात अगर आप मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, या मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, जैसे मोल की जबान में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 5 के 5 मोल इस्तेमाल नहीं हुए एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में, 5 के 5 मोल इस्तेमाल नहीं हुए नाइट्रोजन के एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में। क्लियर हो गई ये बात, कुछ ना कुछ जो है वो मोल यहाँ पर बच गए हैं। ये दो जबानें हैं, या तो आप मास की जबान में अपनी बात को समझा दें या आप मोल की जबान में अपनी बात को समझा दें, ठीक है। बहरहाल मास की जबान में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 140 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो, अब हमें क्या पता इसमें से कितना यूज हुआ है, हमें क्या पता इसमें से कितना अनयूज्ड रह गया है। देखे ना, सोचने की बात है। और अगर ये क्या है, ये मास है, ये मास है। अगर मोल की जबान में बात करूं, अगर मोल की जबान में बात करूं यहां पर मोल, तो मोल कितने हैं नाइट्रोजन के, 5 मोल हैं नाइट्रोजन के,
तो 5 मोल में से कितने मोल जो है नाइट्रोजन के इस्तेमाल हुए, कितने मोल जो है वो नाइट्रोजन के यूज हुए, और कितने मोल नाइट्रोजन के अनयूज्ड रह गए। ये वो एरिया है जहां पर आप फंस जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपसे वो मोल की जबान में भी बात कर सकता है एक्सिस रिएक्टेंट को लेके, वो आपसे मोल की जबान में भी बात कर सकता है, मास की जबान में भी बात कर सकता है। अभी जो उसका टारगेट है वो बोल रहा है हमसे, भाई मास बता दो, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। एक्सिस रिएक्टेंट यहां पर क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो कितना मास उसने दिया हुआ है हमें, 140 ग्राम। अब देखिए हमारा कॉमन सेंस कहता है ना, हम बोलेंगे यार हमसे मास पूछ रहा है, नाइट्रोजन जो है वो एक्सिस रिएक्टेंट है, मास पूछ रहा है। भाई मास तो उसने दे दिया है, मास तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है ना नाइट्रोजन का, 140 ग्राम प्रॉब्लम में दिया हुआ है, फिर कौन सा मास पूछ रहा है ये। यही बात हमें सोचनी चाहिए कि मास तो दे रखा है नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन एक्सिस रिएक्टेंट है। नहीं, ये आपसे मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट वो मास पूछ रहा है जो कि आपका बच गया है, अनयूज्ड। क्लियरली इस बात को समझ लें, अनयूज्ड, जो कि इस्तेमाल आपका हुआ ही नहीं है, जो कि इस्तेमाल आपका हुआ ही नहीं है, ये उसका मास आपसे पूछ रहा है। बात समझ आ गई। तो मास 140 ग्राम जो मास था, इसमें से कितना यूज हुआ एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में हमें नहीं पता, कितना बच गया एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में हमें नहीं पता। मोल की जबान में बात करें तो 5 मोल नाइट्रोजन के हैं, कितने इस्तेमाल हुए एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में हमें नहीं पता, और कितने मोल बच गए हमें नहीं पता। कुछ सपोज्ड वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ये सपोज करते हैं 140 ग्राम नाइट्रोजन में से एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में 40 ग्राम यूज हो गई। देखें बात मैंने कहा था ना, इसमें समझने से ज़्यादा थोड़ी टेक्निक समझनी ज़रूरी है। अब मैंने आपको क्या कहा कि यार 140 ग्राम नाइट्रोजन में से 40 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो क्या हो गई, यूज हो गई इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में। अब मैं आपसे पूछूंगा यार कितनी नाइट्रोजन बच गई, आप बोलेंगे ये तो बच्चों वाला सवाल है भाई, सर क्या बात कर रहे हैं। 140 ग्राम में से 40 ग्राम जब यूज हो गई तो एक फिर कितने बचे, 100 ग्राम बच गया ना, 100 ग्राम बच गया। तो साबित हुआ कि 40 ग्राम तो यूज हो गया और अनयूज कितना हो गया, 100 ग्राम जो कि बच गया। और यही तो वो जानना चाहता है जब वो आपसे कह रहा है ना मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट बताइए, तो वो आपसे क्या जानना चाहता है, जो अनयूज्ड है, जो कि बच चुका है। तो हमारे पास बचा कितना है, 100 ग्राम। लेकिन ये जो बच जाने वाला मास है इसका नाइट्रोजन का, ये आपको कब पता चला है, ये आपको जब पता चला है, जब आपको ये पता चल गया कि यूज कितना हुआ है, यूज कितना हुआ है। अगर आपको ये 40 ग्राम पता न चलता कि यूज कितना हुआ है, क्या आप ये बता देते कि ये 100 ग्राम अनयूज्ड कैसे हुआ, सोचने की बात है ना। अब मोल की तरफ चलते हैं, मोल की तरफ चलते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मोल की जबान में बात करते हैं, नाइट्रोजन के कितने मोल है हमारे पास, 5 मोल ही हमने कैलकुलेट किए थे, और किससे कैलकुलेट किए थे, ये 5 मोल ये देखें, इसी 140 ग्राम से हमने कैलकुलेट किए थे। तो 5 मोल नाइट्रोजन में से कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं, अब यहां पर मैं बात करता हूं आपसे। अगर एक आशारिया 25 मोल जो हैं वो यूज हो गए हैं, 1.25 मोल यानी कि 1.25 मोल जो है वो यूज हो गए हैं नाइट्रोजन गैस के एल्युमिनियम नाइट्राइड को बनाने में, तो कितने मोल बच गए हैं, कितने मोल जो हैं वो बच गए हैं, कितने मोल जो हैं वो अनयूज्ड पड़े हुए हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड के। तो भाई आप कैसे बताएंगे, यहाँ कैसे बताया था आपने, यहाँ कैसे बताया था, यहाँ भी ऐसे ही बताएंगे। आपको पता है 5 मोल हैं, 5 मोल में से 1.25 मोल यूज हो गया, तो बचा कितना,
3.75 mole, 3.75 mole भाई, यही तो वो आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर वो कह रहा है आपसे मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, तो क्या आपसे जानना चाह रहा है? आपसे अनयूज्ड मास जो है, जो बच गया है मास, वो जानना चाह रहा है। वो ये रहा अनयूज्ड मास 100 ग्राम, सपोज करके मैंने लिखा है यहां पर, ये बात मत भूलिएगा, ये अपनी तरफ से मैंने लिखा है समझाने के लिए आपको, ठीक है। और अगर आपसे बोलता है मोल, मोल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट के मोल बताइए, तो कौन से मोल आपसे जानना चाहता है वो? क्या ये टोटल मोल जो 5 मोल थे ये जानना चाहता है? नहीं भाई, ये थोड़ी ना जानना चाहता, ये थोड़ी ना जानना चाहता। ये 5 मोल तो हमने, इसने जो ग्राम हमें दिए थे 140 ग्राम, उससे फाइंड आउट कर लिए। तो ये जो बोल रहा है कि मोल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट बताइए, तो ये कौन से मोल पूछ रहा है? क्या इस्तेमाल हो गए हैं जो नाइट्रोजन गैस के मोल, वो हमसे जानना चाहता है, या नाइट्रोजन गैस के जो मोल बच गए हैं वो हमसे जानना चाहता है? तो जब हमसे ये पूछ रहा है कि मोल ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट बताइए, तो दोबारा सुन लीजिए, अनयूज्ड मोल जो है वो आपको बताने होंगे, अनयूज्ड, अनयूज्ड मोल। और अब सवाल उसका क्या था, ध्यान से सुन लीजिए, उसका सवाल था क्या बताइए? मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यानी कि मास ऑफ अनयूज्ड रिएक्टेंट, ये आपको बताना है। मोल नहीं बताना है, मोल नहीं पूछे उसने, उसने मास पूछा। अब ये कैसे बताएंगे? ठीक है, पहले सिनेरियो समझ में आ गया पूरा, अब इसका तरीका देखिए कि ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया ना, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से वैल्यूज दे दिए, इनको छोड़ें। अब हम जरा एक्चुअल मसला देखते हैं। मेथड टू फाइंड एक्सेस मोल ऑब्लिक मास, मेथड टू फाइंड मोल्स ऑब्लिक मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है भाई, ये मेथड आ गया, हेडिंग मैंने दे दी कि क्या तरीका है, कौन सा मेथड है जिसके जरिए आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल्स या मास एक्सेस रिएक्टेंट का, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है। ठीक है भाई, तो इसका मेथड क्या, किसकी मदद से आप जो है वो विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट आप जो है वो अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप मोल या फिर मास। अब ज़रा वीडियो बैक करें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमारे पास नाइट्रोजन था और दूसरा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास एल्युमिनियम था, और हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन था, और एल्युमिनियम की मदद से, याद है आपको, एल्युमिनियम की मदद से हमने एल्युमिनियम नाइट्राइड के जो मोल फाइंड आउट किए थे, याद है वो कितने किए थे मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये हमने फाइंड किए थे 2.5 मोल। ठीक है भाई, और नाइट्रोजन की मदद से जो हमने मोल फाइंड आउट किए थे एल्युमिनियम नाइट्राइड के, वो हमने 10 मोल फाइंड आउट किए थे, 10 मोल। समझ में आ रही है बात? तो ये बात दोबारा वीडियो बैक करें तो आपको पता लगेगा ये हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, क्या मोल या मास एक्सेस रिएक्टेंट का इसका, तो हम इसका तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट,
एल्युमिनियम की मदद से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम केमिकल इक्वेशन का अब हवाला देंगे, इसको मिटाऊं, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की मदद से हमने एल्युमिनियम नाइट्राइड के कितने कितने मोल फाइंड आउट किए थे, ठीक है। अब जरा यहां पे देखिए, अब इस इक्वेशन का हवाला देंगे हम, पहले इसकी बात, इसकी बात एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है वो कितने जो है वो मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखें इसका और इसका गेम है अब सारा का सारा। तो हम यहाँ पे हवाला देंगे 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद इक्वल का साइन आ जाएगा, कितने मोल है नाइट्रोजन के, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है भाई। फिर 1 मोल आएगा, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, फिर 1 आएगा यहाँ पर, 2 जो है वो डिवाइड की हालत में जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद जो एक्चुअल मोल्स हैं हमारे पास एल्युमिनियम के, अभी मैंने बताए थे, फाइंड आउट किए थे ना हमने 2.5 दोबारा यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसको आप जमा मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आंसर ज़रा ध्यान से देख लीजिए, ये आंसर ज़रा ध्यान से देख लीजिए, और आप ज़रा मुझे सोच के बताइए आप कि टोटल मोल कह लें या गिवन मोल, टोटल मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने थे, याद है आपको, 5 मोल्स। टोटल मोल नाइट्रोजन के कितने थे, 5 मोल्स। अभी आपने जो नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड आउट किए हैं 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये कौन से मोल हैं, ये यूज्ड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1.25 मोल्स, ठीक हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं जो वो हमसे बोल रहा है, अनयूज्ड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बताइए, अनयूज्ड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये बताइए। तो अनयूज्ड मोल्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, इतना तो आसान सी बात है यार, टोटल 5 मोल थे, उसमें से 1.25 मोल जो है वो यूज हो गए, तो 5 में से माइनस कर दें आप यहाँ पर। अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ, ये अनयूज्ड मोल ही असल में एक्सेस मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट है, यहाँ पर हेडिंग आएगी अब, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट आपको अगर फाइंड आउट करने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे यूज्ड मोल्स को। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 5, यूज कितने हो गए, 1.25, क्या जवाब आएगा यहां पर, 3.75 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है, ये कौन से मोल हैं, ये हमारे पास अनयूज्ड हैं, अनयूज्ड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपने देखा 3 किस्म के मोल्स हो गए आपके पास नाइट्रोजन के, 1.25 मोल ये वो मोल हैं जो कि यूज हो गए, 3.75 मोल्स वो हैं जो कि अनयूज्ड मोल बच गए, और 5 मोल्स जो हैं वो हैं नाइट्रोजन के जो कि टोटल मोल हैं, समझ में आ गई बात। तो ये जो अनयूज्ड मोल्स हैं इसी को तो हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट एक्चुअली। तो बोल रहा है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अभी आपने फाइंड आउट किए कितने, ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। लेकिन क्या उसने हमसे मोल्स पूछे हैं एक्सेस रिएक्टेंट के, नहीं भाई, हमसे मास पूछा है एक्सेस रिएक्टेंट का, या तो फार्मूला लगा लो बस, आसान सी तो बात है।
ये रहे आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट के मोल, फाइंड आउट कर लिए आपने मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, कितने मोल हैं 3.75 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या पूछा है उसने भाई, मास पूछा है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यहां पर आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट ये रहे अभी आपने फाइंड आउट किए 3.75 इक्वल मास आपको फाइंड आउट करना है। मोलर मास नाइट्रोजन का क्या होगा, यहाँ पर वही जो नाइट्रोजन का केमिकल फॉर्मूला होगा N2, यानी के और दो नाइट्रोजन के एटम हैं, एक एटम का वजन 14 है, 14 + 14 यहाँ पर आ जाएगा 28। मास फाइंड आउट करना है 28 को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा 3.75 मल्टीप्लाई बाय 28, ये मास आ गया, ठीक है भाई। तो 3.75 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3.75 मल्टीप्लाई बाय 28, 105 ग्राम, ठीक है। ये आप आगे करके लिख लें, मैंने एरो करके आगे लिख लिया है, आप इक्वल का निशान लगा के यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना है ये 105 ग्राम नाइट्रोजन। क्या फाइंड आउट किया है आपने, ये मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट 105 ग्राम नाइट्रोजन गैस, किसकी मदद से फाइंड आउट किया, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट 3.75 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, इसकी मदद से आपने मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट 105 ग्राम फाइंड आउट किया। 3.75 मोल्स एक्सेस रिएक्टेंट के कहाँ से फाइंड आउट किए, ये आपने पहले पता किया कि कितने मोल जो हैं नाइट्रोजन गैस के वो यूज़ हुए हैं और टोटल मोल आपको पता थे, ये पता थे, ये आपने फाइंड आउट किए कि कितने मोल यूज़ हुए हैं, तो बड़ी आसानी से आपने अनयूज्ड मोल जो हैं वो नाइट्रोजन के पता कर लिए, ठीक है भाई। बहरहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, लेकिन मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग आपका जो है ना वो उछल कूद कर रहा होगा, और करना भी चाहिए, केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मेहनत मांगते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप जुनूनी हैं, अगर आप ज़िद्दी हैं, तो आप उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें होती है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार करना होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कॉन्क्रीट बैठ जाएगा। जिनको पहली दफ़ा में ही समझ में आ गया उनको तो मुबारक हो, और जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को दोबारा देख लें, ये मेरी नसीहत है उनको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पार्ट 11 हो चुका, पार्ट 12 के अंदर सेल्फ असेसमेंट मौजूद है, इंशाल्लाह उसको करेंगे हम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।